हेलो सेबी एस्पायरेंट्स, सो दिस इज द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट? सो अभी कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं, इनसे पूछेंगे इनका पेपर कैसा रहा, सेबी ग्रेड ए, राइट? सो यू आस्क सम ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द पेपर, राइट? अबाउट पेपर वन एंड पेपर टू, राइट? सो आप कौन से ब्रांच से हो और कितने अटेम्प्ट किया आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप पेपर टू के बारे में बता दो, उनका लेवल क्या था? जो भी करंट अफेयर्स है उनको रेगुलरली फॉलो करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, अपना स्पीड बढ़ाएं। ब्रांच थी आपकी? मेरा एमएससी इकोनॉमिक्स है। ओके, तो आपने क्या फील किया, जनरल या आईटी? जनरल। ओके, सो व्हाट अबाउट पेपर लेवल, कैसा रहा आप? एजी मॉडरेट हार्ड, क्या कहेंगे? पेपर लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट हार्ड नहीं बोल सकते हैं, इट वाज मोर मॉडरेट। पेपर टू वाज मोरली रिलेटेड टू आवर एकेडमिक्स वाले जो पढ़ा था, एग्जैक्टली मैनेजमेंट, एथिक्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, या सो दैट वाज क्वाइट गुड। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, जनरल अवेयरनेस काफी ज्यादा जनरल था, तो यू जस्ट कांट स्टिक कि वी विल बी गोइंग थ्रू सम क्रैश कोर्सेज एंड ऑल, एंड ओवरऑल इंग्लिश वाज गुड, प्रीटी गुड। लॉजिकल रीजनिंग वाज अ बिट टफ फॉर माय एंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज गुड, दैट वाज आई फेस्ड। ओके, यू आर अटेम्प्टिंग 100 पेपर 1? आई अटेम्प्टेड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12 इन लॉजिकल रीजनिंग, 14 इन मैथमेटिक्स, 18 इन इंग्लिश, एंड इन जनरल अवेयरनेस आई गेस attempted 14 to 15. okay, means more than 60, right? No, not more than 60, around 55. okay, so what about paper 2, kitna attempt kiya 50 mein? 50 mein maine attempt kiya, paper 2 mein agar sahi se bole to around 37 to 38 mein sahi attempt kiya, accuracy ke sath. okay, so which section sabse zyada question dekhne ko mile aapko, kaun sa particular subject mein? agar kisi ko, agar finance ka paper tha, agar second paper ka main specifically baat karu, agar basic economics agar use pata hai aur agar finance ke bare acha khasa knowledge hai to paper 2 was quite easy. हो गया, फिर वैल्यूएशन वगैरह का हो गया, और बेसिक मॉडल्स जो इकोनॉमिक्स में पूछ रहा था, ISLM वगैरह, और सप्लाई डिमांड मार्केट से रिलेटेड, बेसिक ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो वैसा कुछ कॉन्सेप्चुअल या फिर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बोल सकते, बट बेसिक कॉन्सेप्ट थे। न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं थे, आई गेस न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आप फिगर्स के कंपेरिजन में बात करोगे तो एक लाइबिलिटी एसेट का कॉलम था, दैट वॉज वन क्वेश्चन, एंड अराउंड टू थ्री क्वेश्चन मोर वे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, बट दैट वर नॉट एग्जैक्ट न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज थे। चलो लास्ट में कंक्लूड करो, क्या सजेशन देने चाहोगे आने वाला एस्पायरेंट को जो सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरा इसी साल मास्टर्स हुआ था, तो मेरा ऑनगोइंग बैच था, तो मैंने प्रिपरेशन में प्रोसेस था, हाँ मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस था, और ये हम नहीं बोल सकते कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट देर आर हाई चांसेस कि निकल सकता है प्रीलिम्स का बात करें तो, और करंट अफेयर्स वाज अ सेक्शन जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये लगा कि पहले से पढ़ के रखना जरूरी है, वरना फिर मुश्किल होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।